पहाड़ अच्छे से आते हैं, है ना, जर्ब भी आता है, हम क्या करते हैं, हम उसके आगे की कुछ अलग मिसालें देखते हैं। ये क्या है? आठ। आठ को अगर हमको पांच से जर्ब करना है तो कैसे करेंगे हम? पांच का पहाड़ा आठ तक पढ़ेंगे या आठ का पहाड़ा पांच तक? पढ़ो। गुड। पांच अट्ठी चालीस, कितना होता है? चालीस। पांच अट्ठी चालीस, ठीक है, ओके। दूसरी मिसाल देखते हैं हम। अगर अब मुझे बताओ ये क्या है? नौ है। अगर नौ को हमको किससे जरब करना है? सात से जरब करना है। कैसे आएगा? 63, तिरसठ। नौ सते कितना आएगा? तिरसठ। बहुत अच्छे, ये हो गया हमारा नौ सते तिरसठ। बहुत अच्छे। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। समझो अब ये क्या है हमारा? ये है हमारा, क्या है ये? दस है। दस को अगर आठ से जर्ब करना हो, दस को क्या करना हो? आठ से जर्ब करना हो, कितना आएगा? अस्सी। कितना आएगा? अस्सी। बहुत अच्छे। आठ दहे अस्सी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम? अगर दस से जरब करना हो ना किसी भी अदद को, ये आठ है, आठ का आठ लिख दिया, दस में कितने सिफर आते हैं? एक। वो सिफर इसके आगे लगा दिया, हो गया हमारा जवाब अस्सी, ठीक है। अगर हमको बारह को दस से जरब करना हो कैसे करेंगे? 120। गुड। 120 कितना आएगा ये? 120। क्या किया हमने यहाँ पे? बारह का बारह लिख दिया और यहाँ पे एक सिफर लगा दिया, ठीक है, 120। इस तरह से अगर मुझे 10 और 6 का जर्ब करना हो तो कितना आएगा? 10 और 6 का 60 आएगा, ठीक है। अगर 10 का और 7 का जर्ब करना हो तो कितना आएगा? 70, ठीक है। अच्छा अब अगर उसी तरह से अगर मुझे 100 का और 5 का जर्ब करना है, क्या आएगा? क्या करेंगे हम यहाँ पे? 5 है, पांच लिख दिया, सौ में कितने सिफर है? दो सिफर इसके आगे लगा दिया, कितना हो गए? 500। कितना हो गए? 6 जरब 100 करें तो 600, 7 जरब 100 करें तो 700, है ना, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ हमको यहाँ पर ये कितना है? 12, ठीक है। 12 को अगर 7 से जरब देना हो तो कैसे आएगा? ठीक है, ये तो आंसर तुमने क्या किया? पहाड़ा किया। लेकिन हम जर्ब कैसे कर सकते हैं? पहले 7 को 2 इकाई से जर्ब किया, 7 दुनी 14, 14 के यहाँ पे क्या लिखा? 4, है ना, 4 मतलब 14 मतलब कितना होता है ये? एक्चुअली 14 मतलब ये होता है 14 इकाइयां, क्या होता है ये? 14 इकाई है। लेकिन 14 को तो हम यहाँ पर नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, ये 14 इकाइयों को 10 इकाई और 4 इकाई इस तरह से इसको खोलते हैं। फिर हमको पता है 10 इकाई यानी क्या हो जाता है ये? एक दहाई। क्या हो जाता है ये? एक दहाई। फिर ये जो एक दहाई है इसको हम यहाँ पर हासिल में दे देते हैं। एक दहाई को क्या कहते हैं हम यहाँ पर? हासिल में देते हैं। और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4। क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। और ये जो एक दहाई है इसको यहाँ बाजू में हासिल में दे दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ 4। 7 × 7 और ये एक दहाई का जो हमने हासिल लिया था वो मिलाकर कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो गया? सिर्फ 84। क्या हो गया हमारा जवाब? 84। क्या किया हमने? ये जो 14 है, 14 इकाइयां हैं, 14 इकाइयों को हमने 10 इकाई और 4 इकाई इस तरह से इसको अलग अलग किया, लेकिन 10 इकाई यानी एक दहाई। अब ये जो दहाई है इसको हम बाजू वाले दहाई में हासिल में दे देंगे, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ 4। फिर हमारा जो 7 और 1 का जरब था, ये एक क्या है यहाँ पर? एक दहाई। 7 और 1 दहाई का जरब आ गया और हमने 1 हासिल यहाँ पर
जमा करिए, इस तरह से ये आ गया 84। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं मकामी कीमत का इस्तेमाल करके। देखते हैं वो किस तरह से हल हो सकता है। क्या मिसाल थी हमारी 12 और 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 7 और 2 इकाई का ज़र्ब करते हैं। 7 × 2 = 14, ये क्या हो गया 14 इकाई। 14 इकाइयों का हमने लिख लिया जैसे वैसे। फिर 7 और 1/10 का ज़र्ब, 1/10 यानी 10, 1/10 यानी कितना होता है 10, तो 7 और 10 का ज़र्ब कितना आएगा 70, कितना आएगा 70, तो फिर ये 70 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन दोनों की जमा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको जमा कर लेंगे, जमा कर लेंगे। 4 इकाई जमा 0 इकाई कितने हो गए 4, 1/10 जमा 7/10 कितने हो गए 8/10। तो देखो हमारा जवाब आया ना भाई 84। तो इसका मतलब हम हासिल वाले ज़र्ब करें या मकामी कीमत का इस्तेमाल करके करें, हमारा जवाब हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी मिसालें हल कर सकते हैं। आ गया समझ में?